हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल पराठे लेकर आई हूँ, जो कि है आलू और मेथी का पराठा। इसे हम ब्रेकफास्ट में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। वैसे तो आलू और मेथी के पराठे हमने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम 2-in-1 पराठा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आलू का स्टफ भी है और मेथी भी यूज़ किया है हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे मेथी का पत्ता। तो सबसे पहले हमें मेथी के पत्ते को अलग कर लेना है, एक एक करके, 1 by 1 सारे मेथी के पत्ते अलग करके, और आपको एक कंटेनर में रखना है। ये स्ट्रेनर कंटेनर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसी में मुझे वॉश करना है मेथी का पत्ता, और जिसमें कि कुछ मिट्टी भी लगे होते हैं। और अगर मैं इसमें वॉश करूँगी, देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो जो मिट्टी होता है ना, वो डायरेक्ट सिंक में चला जाता है। मुझे दूसरा कंटेनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर मैं इसमें वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए और उसको मैं एक एक करके छील करके रख दे रही हूँ। अच्छे से आपको इसको पिल ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे हो गया मेरा, और उसके बाद बढ़िया से इसको मैश कर देना है, ताकि इसमें मतलब अच्छे से मैश करना है, क्योंकि जब हम पराठे बनाए ना, तो पराठा फटे ना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे काला जीरा और भुना हुआ जीरा मैंने डाला, और उसके बाद चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स आप देख रहे हैं, वो भी हमें डालना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, और उसके बाद ये रहा धनिया पत्ता हमारा। आलू के पराठे में ना सबसे ज़्यादा जो स्वाद बढ़ाता है वो है धनिया का पत्ता। अगर हम मसाले वगैरह कुछ नहीं डालें और सिर्फ धनिया का पत्ता डाल के ही बनाए ना, नमक डाल के, तो भी बहुत स्वादिष्ट बनता है वो। तो चलिए, यहाँ पे हमारा स्टफिंग रेडी है, और उसके बाद हम लेंगे एक बाउल में आटा, और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया और चॉप किया हुआ हमारा मेथी का पत्ता। अब इसे हम धीरे धीरे, और यहाँ पर हमारा नमक है, नमक डाल रही हूँ मैं, तो इसको धीरे धीरे हमें ऐसे ही गूंथ लेना है पहले। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, क्योंकि ना जब मेथी का पत्ता और नमक हम डाल करके गूंथते हैं आटा ना, तो उसमें जो पानी ऑटोमेटिक वो मॉइस्चर छोड़ने लगता है नमक डालने पे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा बढ़िया सा डो बन के रेडी हो गया है, सॉफ्ट सा। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हमें 5 मिनट के लिए थोड़ा सा छोड़ देना है ऐसे ही। और यहाँ पे हमारे पराठे में भरने के लिए जो मसाले मैंने रेडी करके रखे थे, उसमें हमें डालना है नमक, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके हमें थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल देना है, और अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है। ये हमारा रेडी है पराठे बनाने के लिए। यहाँ पे मैं आटा का थोड़ा सा डो ले करके, और उसको इसमें जो स्टफ है हमारा आलू का, उसको भर के, और जैसे नॉर्मल हम आलू के पराठे बनाते हैं, वैसे ही आपको कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने पराठा बेल लिया है ऐसे सर्कल शेप में, और आप अगर चाहे तो उसको स्क्वायर शेप में भी बेल सकते हैं पराठे को, या फिर रेगुलर जैसे पराठे बनाते हैं हम सर्कल वाले, वैसे आप कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से किया था, और मैं दोनों तरह से आपको दिखाऊंगी। ये जो स्टफिंग मैं कर रही हूँ वो सर्कल वाले पराठे के लिए है, जिसको हम रेगुलर पराठा बोलते हैं, वैसे बनाते हैं जैसे हम। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, वो स्क्वायर वाला जो पराठा होता है ना, उसको पहले रोटी की तरह थोड़ा सा हमको बड़ा बेलने की ज़रूरत होती है, उसके बाद बीच में हमें आलू का स्टफ लगा के उसके बाद हमको थोड़ा सा स्क्वायर वाला शेप देना होता है हल्के हाथों से करके। और ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने दोनों तरह के बनाए हैं, तो अब हमें इसको एक एक करके सेकना होता है। बहुत टाइम लेता है ये सेकने में, तो क्योंकि ये थोड़े ना ठीक होते हैं, रेगुलर जो रोटी की तरह तो नहीं हो सकते हैं पराठे ना, क्योंकि बीच में हमारी स्टफिंग रहती है, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तो इसे सेकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो रहा है पराठा। ऐसे ही सेम प्रोसेस से हमें पूरा पराठा सेकना है। मेथी पत्ते को अगर आप अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं ना, तो बहुत ही हेल्थफुल होता है ये, बहुत ही हेल्थ बेनिफिट होता है हमारे लिए ये मेथी का पत्ता। और अगर इसको आप जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, स्किन और हेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये, वेट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे हेल्थ के लिए मेथी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और अगर इसे हम थोड़ा सा टेस्टी बना लें तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से हमें सारे पराठे जो है ना वो एक एक करके वन बाय वन सेक लेने हैं। और यहाँ पे ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए इससे बढ़िया तो ऑप्शन मतलब विंटर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये रेडी है। एक में मैंने राउंड शेप का पराठा रखा है और दूसरी में मैंने स्क्वायर शेप वाला जो हमारा पराठा है ना वो मैंने रखा है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए इस विंटर में आप ब्रेकफास्ट के लिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ये पराठा ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि हमारी रेसिपी आज की आपको कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।